नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है भाई आपके। चलिए कल नेक्स्ट 3 डेज के लिए मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ नेक्स्ट 3 डेज के लिए, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी को भी इसमें कवर कर लेते हैं। निफ्टी की आपको 17300 की कॉल लेनी है करंट एक्सपायरी की, ठीक है। यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर है, यानी नेक्स्ट 2 डेज इसकी वैलिडिटी रहेगी। 00 ले लीजिएगा इसको, ठीक है, या फिर SL रख लीजिएगा अगर 17000 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। ये आप ट्रेड एक निफ्टी में ले सकते हो, हीरो जीरो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो मुझे स्टॉक आपको देने हैं। आपको बाय करना है मेट्रोपोलिस, नाम है मेट्रोपोलिस करके स्टॉक है। 1237 का इसका प्राइस है। इसमें रिवर्सल कैंडल बनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज के बाद, तो इसमें आप SL लगा के 1210 का, ठीक है, 1210 का SL लगा के इसको बाय करिए। टारगेट है इसके, पहला टारगेट 1255, दूसरा टारगेट 1265, तीसरा टारगेट 1280। नेक्स्ट 3 डेज के ही ट्रेड है ये, ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज के ही। इस फ्राइडे से आगे इनको सोचिए मत, ठीक है। और ज्यादा ही कुछ 1280 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा अगर ये, तो फिर ये आपको 1300 का लेवल भी दिखा सकते, ठीक है। तो इसको आप ट्रेड करिए, बाय साइड की तरफ ट्रेड करिए। अगला स्टॉक आता है डालमिया भारत। भैया बाय करिएगा, ग्रीन कलर की हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। 17,055 है, कल चाहे 1760 खुले चाहे जो मर्जी खुले, इसका टारगेट है 1780 और 1800 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट 3 डेज का 3-4% आपको डालमिया भारत आराम से देते हैं। अगला स्टॉक है PEL। दोस्तों PEL थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की है, बट जिस प्रकार से मैं सोच रहा हूं अगर वैसा हुआ, 678 है, इसको पोजिशनल आप बाय करिए। पोजिशनल बाय मतलब आप इसको कैश में लीजिएगा, ठीक है, और SL रहेगा कोई भी क्लोजिंग 650 के नीचे। यहाँ से आपको 2-3% का नीचे का वो दिख रहा है, बट इसके टारगेट जो है वो है पहला 710, 730, 750, कम से कम 5-10% के टारगेट दे देगा ये। और हो सकता है बट आपका अप्रैल मंथ लग जाए या मार्च मंथ लग जाए, ठीक है। आप इसमें दो प्रकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, या तो इसको हीरो जीरो ले लीजिए, 720 की सी ले लीजिए अप्रैल मंथ की, ठीक है, 740 की, जो भी आपको दिखती है, ठीक है। अगर हीरो जीरो नहीं प्ले करना है, कायदे से ट्रेड करना है, तो 678 है, 660 के बिलो क्लोजिंग आप SL रख लीजिए, टारगेट इसका 700 प्लस है, ठीक है, मार्च मंथ के अंदर अंदर। PL बहुत 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 एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जिसको बोलते हैं ना, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड वो हो गया है, बहुत ओवरसोल्ड हो गया, जगह इसमें बहुत कम बची है, 2-3% गिर सकता है, बट यहां से 5-10% राइज देगा ये। अगला स्टॉक है दोस्तों सिप्ला। सिप्ला 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेज से 870 का एक बेस बना रहा है, ठीक है। तो इसमें आप ये बॉक्स मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये, ठीक है, 873 का इसका प्राइस है। SL रखिए 860 बिलो क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। बाय करिए, टारगेट इसके 900, 920, 940 तक के, नेक्स्ट 3 डेज में, ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज में। तो ये 4 स्टॉक आप देख सकते हैं, 22 साइड के स्टॉक है। मैं अभी फिलहाल 2-3 दिन के लिए आपको थोड़ा बाय साइड रहने की सलाह दे रहा हूँ, और ये 3 स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। और सिप्ला अच्छा खासा चला तो 950 का लेवल भी दिखा सकता है, ठीक है, बट शायद वो नेक्स्ट वीक में आ जाए। उस प्रकार से देख लीजिएगा आप, अगर 930-920 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो अच्छा खासा भागेगा, क्योंकि काफी कंसोलिडेशन कर चुका है और मार्केट में तेजी होती है, तो सिप्ला में तेजी होनी चाहिए, ठीक है। ये क्रॉस कर जाएगा 925 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग, अगला टारगेट इसका 950-980 तक ले जाएगी इसको, बट फिर वो 10-15 दिन पोजिशनल ट्रेड हो जाएगा, स्विंग ट्रेड जिसको कहते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।